तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस स्कोर 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैंने सेमेस्टर 5 स्कोर 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। विश्वास नहीं तो आप लोग सेमेस्टर 4 में जाकर के देख सकते हैं, मैंने जो सेमेस्टर 4 में बताया था वही क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट्स लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा था, ठीक है, कि हाँ सर वही क्वेश्चन आया था जो आपने बताया था। और मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ, तो आप लोग इसको भी जाकर के देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने ये कमेंट किया कि सर आपका जो सोल्यूशन होता है बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है जो एक बार में समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आज मैं सेमेस्टर 5 जो पॉलिटिकल साइंस स्कोर 12 है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा इसका सारा का सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएँ और दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेमेस्टर 5 कोर 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस, ये पक्का आपके एग्जाम में आएगा, आप लोग लिख लो, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पढ़ना है। और जितने भी सारे एक नंबर का क्वेश्चन होता है प्लस में 5 मार्क्स का 2 का क्वेश्चन पूछता है सेक्शन बी में, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो उस सब क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएगा। पहले आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, फिर इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर उससे हम एक मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे आप लोग जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ करके रखोगे तो एक नंबर वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले जो पूछता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे जो सेक्शन बी में रहता है वो भी कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसका पेपर भी ला करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज़रूरी है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन करना, ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस स्कोर 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो कमेंट करें, ठीक है, कि आपको कौन कौन सा सेमेस्टर का चाहिए। और अगर आप लोग सेमेस्टर 5 में और अगर आपका ऑनर से दूसरा कुछ है तो भी कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी सारे लोग शायद पॉलिटिकल साइंस वाले ही देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दें और तुलनात्मक राजनीति के प्राकृतिक क्षेत्र की विवेचना करें, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और जिसमें से टिकॉट लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन पिछले बार कई साल पूछा गया है, समझ गया ना। जिसमें टिकॉट लगाया गया है उसका मतलब ये कि वो पिछले साल भी आया था और पिछले साल मतलब 1-2 साल पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि डेविड ईस्टन के व्याख्या विश्लेषण उपागम का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आमंड तथा पावेल के संरचनात्मक परिक्रम उपागम का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, विवेचना करें, ठीक है। 6 में यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड सभा के केवल एक द्वितीय सदन नहीं वह एक गौण सदन भी है, परीक्षण करें। 7 अमेरिकी संघीय व्यवस्था एवं स्विस संघीय व्यवस्था का तुलनात्मक विवेचना करना, ठीक है। 8 क्वेश्चन है फ्रांस के राष्ट्रपति की अमेरिका राष्ट्रपति से तुलनात्मक कीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या करना, तुलनात्मक करना, ठीक है। 9 में ये बताया जा रहा है कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति तथा शक्तियों की विवेचना करें। 10 में ब्रिटिश कॉमन्स सभा के गठन शक्तियों एवं कार्य का वर्णन करें। 11 है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कार्यक्रम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। 12 क्वेश्चन है ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की शक्तियों एवं पदस्थिति का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने कोर 11 में से शायद 9 क्वेश्चन बताया था, इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसमें अच्छा मार्क्स भी लाना जरूरी है, तो मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बढ़ा दिया हूँ। लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 12 पढ़ कर जाओ, 3 को आराम से 100% मिल जाएगा, एक नंबर वाला भी क्वेश्चन इससे बन जाएगा, 5 वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो अगर तक अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। और मुझे खुशी होता है कि अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करते तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।